भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच आखिरकार ड्रॉ हो गया। टीम इंडिया इस मैच में जीत के काफी करीब थी और संभावना थी कि टीम इंडिया आखिरी दिन जरूरी रन जुटाकर सीरीज में लीड ले लेगी, लेकिन पांचवें दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। जब अंपायर को लगा कि आज मैच नहीं हो पाएगा और किसी भी टीम की जीत की संभावना नहीं है, तो उन्होंने इसे ड्रॉ घोषित कर दिया। मैच में केवल पहले और चौथे दिन ही पूरे दिन का खेल हो पाया। दूसरे और तीसरे दिन बारिश ने खलल डाला था। आज भी पूरे दिन बारिश होती रही। टीम इंडिया ने चार दिन तक मैच को जीतने के लिए जो कोशिश की थी, पांचवें दिन उस पर पानी फिर गया। आज इस वीडियो में इस पर बात करेंगे और आपको चार दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको फटाफट से एक काम करना है, और वो ये है कि अगर आपने हमारे चैनल अनन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करें, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। इससे पहले बिना एक भी गेंद फेंके टी ब्रेक की घोषणा कर दी गई थी। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहले और दूसरे सत्र का खेल शुरू नहीं हो सका था। भारत ने इस मैच में पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन बारिश ने खेल का रुख मोड़ दिया। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी पारी शनिवार को 303 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और भारत को जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 52 रन बना लिए थे और अब उसे जीत के लिए 157 रनों की जरूरत थी और उसके 9 विकेट शेष थे। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 34 गेंदों पर 12 रन और चेतेश्वर पुजारा 13 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत की दूसरी पारी में लोकेश राहुल 38 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड को अब तक एक विकेट मिला था। आखिरी दिन उम्मीद थी कि भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत खराब प्रदर्शन नहीं किया तो टीम इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। वैसे मैच में क्या कुछ खास रहा इसकी बात करें तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। इससे पहले भी जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड में ही 5 विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह और उनके साथी गेंदबाजों की बदौलत टीम इंडिया ने इस मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी। हालांकि दूसरी ओर से इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने दूसरी पारी में 172 गेंद पर 109 रन की पारी खेली। इसी बदौलत इंग्लैंड 300 का आंकड़ा पार कर पाई। जोए रूट ने इंग्लैंड में करीब 3 साल बाद शतक लगाया है। खैर, अब दूसरे मैच का इंतजार कीजिए। सीरीज में अभी 4 मैच और बाकी हैं। इसको लेकर भी हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इसलिए आपको फिर याद दिला दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें।